हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर से संबंधित टॉप 50 जीके क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आपका एसएससी और रेलवे, डीआरडीओ, डिफेंस, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो कि अभी होने वाले हैं। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो बहुत सारे एग्जाम आपके लाइन में होंगे, तो आप उनकी तैयारी रेगुलरिटी के साथ में करते रहिए। और जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक मैं आपको कवर करा रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ, उनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए। सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड होती है मॉर्निंग में 6 AM पर, तो आप इस टाइम को नोट कर लीजिए। ठीक है गाइज, और इन टॉप 50 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाते हैं, अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, वाईफाई स्टडी की तरफ से 2 नए चैनल लॉन्च किए गए हैं। एक तो आपका है डेली लाइव टेस्ट करके, ठीक है, वाईफाई स्टडी डेली लाइव टेस्ट, ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। एक चैनल आपका डिफेंस एग्जाम के लिए है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप कहीं पे बाहर नहीं जा सकते, तो कंप्लीट तैयारी आप घर पे रह के कर सकते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करके। देखिए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन दोस्तों आपका एसएससी से लेके यूपीएससी तक अवेलेबल है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और उसमें रेफरल कोड यूज करना है Study10, इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, और जितने भी एजुकेटर अभी अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं उन सब के कोर्सेज़ आप देख पाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कल की वीडियो से एक क्वेश्चन पूछूंगा। कल का टॉपिक था हमारा विटामिन्स, विटामिन से संबंधित मैंने 50 क्वेश्चन कवर कराए थे। ठीक है, धीरे 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 मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दूंगा। ठीक है, तो विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, असुटेबल गर्ल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको हर एक क्वेश्चन में टाइम दिया जाएगा भाई, ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 सेकंड दिए जाएंगे, ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर इजिली कर पाएँ। ठीक है, और एक काम और करिए, आपको इस वीडियो के एंड में ये भी बताना है कि कितना स्कोर रहा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सही रहेगा ऑप्शन सी, विक्रम सेठ, वेरी गुड, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, स्ट्रेट टॉक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलती है। पीडीएफ आपको मिलती है सौरभ सर जी के टेलीग्राम से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, SAURAVH सर जी के, ये आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल अभिषेक मनु सिंघवी, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। तो स्ट्रेट टॉक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बिल्कुल अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर रहेगा रोबिन शर्मा, वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे, मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन सी कर रहे हैं, वेरी गुड। देखिए यार, वीडियो को एंड तक देखा करें, आप मिस कर देते हैं बिल्कुल भी स्किप मत करिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, दी डायरी ऑफ मनु गांधी प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर रहेगा, और इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, ऑप्शन सी है, त्रिदीप सुरुद, बिल्कुल सही है, ऑप्शन करेक्ट आंसर सी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फेस्टी एट 50 प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? फेस्टी एट 50 प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा सुधा मेनोन, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। भाई थोड़ा जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को शेयर वेयर करिए यार, आप ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। डेली मैं आपके लिए 50 से 60 क्वेश्चन कलेक्ट करता हूँ, इनकी कुछ तो इज्जत रखिए। ठीक है, डेली डेली लेके आ रहा हूँ, आप इतना कम लाइक करें उसके बावजूद भी लेके आ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू वाटर एहोए प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है?
अनूप सिंह है दोस्तों, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अनूप सिंह। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मातोश्री प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो मातोश्री प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है सुमित्रा महाजन। वेरी गुड, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 इयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग दी महात्मा दी साउथ अफ्रीका लिगेसी प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? फकीर हसन। बहुत अच्छे, ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसको सही करेक्ट कर लीजिए, टर्बुलेंस एंड ट्रम्प दी मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? टर्बुलेंस एंड ट्रम्प दी मोदी ईयर्स प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल दोस्तों, राहुल अग्रवाल और भाराठी एस प्रधान, ये दोनों हैं, तो उपरोक्त दोनों रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरी ऑफ आ डोमेस्टिक दीवा प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा शिल्पा शेट्टी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया अनमेड प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ, इंडिया अनमेड प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल, आदित्य सिन्हा और यशवंत सिन्हा रहेगा इसका सही आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दी पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? दी पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक दोस्तों शशि थरूर है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो विवेक डिब्रॉय, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑफ काउंसिल दी चैलेंजेस ऑफ दी मोदी जेटली इकोनॉमी प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद सुब्रमण्यम इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पज इन योर लाइफ। तो गौर गोपाल दास दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है थिंक एंड ग्रो रिच प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? थिंक एंड ग्रो रिच। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा नेपोलियन हील, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा स्टीफन हॉकिंग, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम वॉरियर्स प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों बिल्कुल नरेंद्र मोदी, ये तो आप सभी को पता ही होगा, ऑलरेडी कई बार एग्जाम में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है?
तो सत्यार्थ नायक इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है भाई, चलिए। कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डी क्लासिफिकेशन प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ राजा, ये दोनों हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। भाई अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो यार लाइक वाइक करते चलिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। चेंजिंग इंडिया प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे को एक चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, जितने स्टूडेंट रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, कमेंट भी कर देते हैं कई स्टूडेंट, बट यार लाइक नहीं करते हैं। मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि क्यों नहीं करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मैं इसलिए लाइक नहीं करता हूँ। लाइक किया करें, क्योंकि जिसको डिसलाइक करना है वो करके जाता है, उसका बिल्कुल वो प्रॉपर है, फिक्स है उसका। इसका सही आंसर रहेगा मनमोहन सिंह। ठीक है गाइस, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। यार टीचर्स को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, रेगुलर आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। लाइक करने का पैसा ना आपसे लिया जाता है ना हमें मिलता है, उसके बावजूद भी। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक, इसका सही आंसर रहेगा मारिया सारापोवा। बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्ड प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिलेरी क्लिंटन इसका सही आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ट्रिपल तलाक एग्जामिंग फेथ प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद। चलिए बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी अल्केमिस्ट प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाउलो कोहेलो इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, मिल्कमैन प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो एना बर्न्स इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो एंड्रयू सियाना ग्रीर इसका सही आंसर रहेगा, ये रे रहेगा लास्ट में। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। बेबाक बात प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक, बेबाक बात प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? विजय गोयल है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रेक द रूल्स प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? नेहा जे हीरानंदानी, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए दी शेरशाह ऑफ कारगिल कैप्टन विक्रम बत्रा प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीपक सुराण इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरूल मैनिफेस्टो प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? अरूल मैनिफेस्टो प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है फिरोज वरुण गांधी, ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर।
वो विल क्राई वेन यू डाई प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? वो विल क्राई वेन यू डाई, इस बुक के लेखक है दोस्तों रोबिन शर्मा। रोबिन शर्मा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, द रूल ब्रेकर्स प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा प्रीति सेनॉय। ठीक है, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। हाँ ये वाला हो चुका है, आंसर बता दीजिए फिर भी आप। वाई आई एम आ हिंदू प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक, ये भी सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन भी सभी को पता होगा। इसका सही आंसर रहेगा शशि थरूर, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गर्ल इन रूम, रूम होगा रूम, ठीक है रूम 105 प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? द गर्ल इन रूम 105 प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा चेतन भगत। ठीक है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा अनुपम खेर। अनुपम खेर इसका सही आंसर रहेगा। सॉरी, नेक्स्ट है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर बेकर, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कोर्ट्स ऑफ इंडिया प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस इसका सही आंसर रहेगा रंजन गोगोई। ठीक है, रंजन गोगोई इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर, सॉरी, प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक जयराम रमेश, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी कोलेशन ईयर्स प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रणब मुखर्जी इसका सही आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर ही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पैजामाज और सॉरी आर फॉर गिविंग प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? पैजामाज आर फॉर गिविंग प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक, तो ट्विंकल खन्ना इसका सही आंसर रहेगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? जोसेफ मर्फी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दी टेस्टामेंट्स प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? मार्गरेट एटवुड, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है आई एम एच आई वी पॉजिटिव सो व्हाट पुस्तक के प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? आई एम एच आई वी पॉजिटिव सो व्हाट प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइज इसका सही आंसर रहेगा जयंता कलिता। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। हिट रिफ्रेश प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक। हिट रिफ्रेश प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है?
सत्य नडेला, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। द इंग्लिश पेशेंट प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा माइकल ओंडाटरजी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिकमिंग प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक, तो बिकमिंग प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है मिशेल ओबामा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। गर्ल वुमेन अदर प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक, बेर्नार्डिन एवारिस्टो, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है माय लाइफ माय मिशन प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइज इसका सही आंसर रहेगा बाबा रामदेव, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है भाई, बाबा रामदेव। तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में यही सब क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करिए। आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए, 50+ क्वेश्चंस में से जितने भी आप सही कर पाए हैं। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, टेलीग्राम पे जाके सौरभ सर जी के सर्च करके उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी अभी तक की। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप सौरभ मलिक 17 के सर्च करके और फेसबुक पर सौरभ मलिक के नाम से सर्च करके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आगे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए जितने भी स्टूडेंट सीरियस है अभी अपने एग्ज़ाम को लेकर के, चाहे वो SSC वाले स्टूडेंट हो, बैंक वाले हो, रेलवे वाले हो, तो आप गाइज अभी अनअकेडमी पर जाके बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फुल कोर्स मिलता है, मतलब आपने अगर कोर्स ज्वाइन कर लिया 6 मंथ या 1 ईयर का, तो आपको पूरा 6 मंथ का करते हैं तो पूरे 6 मंथ का प्लान, 1 ईयर का करते हैं तो पूरे 1 मंथ का, पूरे सॉरी 1 ईयर का प्लान मिल जाता है, जिसमें आपको ए से लेके जेड तक जो रिक्वायरमेंट है एक जॉब को क्लियर करने में, वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती है। लाइक आपने ज्वाइन कर लिया 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, तो उसमें आपको सबसे पहले पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा ऑल सब्जेक्ट के साथ में, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, GK, करंट अफेयर, साइंस, इंग्लिश सब कुछ कवर कराया जाएगा। उसके बाद उसके आपके डाउट सेशन होते हैं उसमें, ठीक है। PDF नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, किसी भी एजुकेटर को चूज़ करके देख सकते हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि भाई मैथ का टीचर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होता है, किसी के लिए अलग से पेमेंट नहीं करना होता है। सारे एग्ज़ाम में ऐसे ही है आपका सिस्टम। फिर आपको रिविज़न कराया जाता है, फिर आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे आपका एग्ज़ाम होता है तो आपकी रैंक पता चलती है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर वे होता है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आप इससे बिल्कुल आराम से घर पे बैठ के तैयारी करके ले सकते हैं। आप कोचिंग में 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, और वो भी 6 से 7 महीने की कोचिंग में, और तब भी रिजल्ट नहीं निकल के आता है। ये पूरे 1 ईयर का प्लान अगर आप देखें यहाँ पे 5,400 का होता है, ठीक है। और जिसमें आपको इतने सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक बार सुनेंगे मेरी बात को और ज्वाइन करेंगे, तो आपको 100% जब रिजल्ट मिलेगा और बेनिफिट मिलेगा, तो आप मेरे को खुद ढूंढ के मैसेज करोगे कि सर आपने सही गाइड किया था, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। उसके बाद उसमें अपना गोल सेलेक्ट करना होता है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके जितने भी मंथ का कोर्स आपको लेना है उतना सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आपका आता है यहाँ पे एंटर रेफरल कोड, तो वहाँ पर आपको Study10 डालना है। इस कोड से आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाता है, ये अनअकैडमी का ही कोड है, और इस जितने भी एजुकेटर अभी अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं, आप किसी का भी कोर्स चूज करके उसमें देख सकते हैं, एक ही कोड से एक ही फीस में, ठीक है। जब ये आपका अप्लाई हो जाता है तो यहाँ पे लिखा आता है रेफरल कोड अप्लाइड, और आपकी फ़ीस कम हो जाती है, तभी आपको पेमेंट करना है। जब तक फीस कम ना हो तब तक पेमेंट नहीं करना है, ठीक है गाइस। तो ये थी आज की वीडियो, और आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए, ठीक है। चलिए, आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना, कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि सर मेरे को कोर्स ज्वाइन करना था बट मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, तो 8279711646 पर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। केवल वही स्टूडेंट करें जिनको यहाँ पे ज्वाइन करना होगा, और कुछ प्रॉब्लम आए तभी करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के सेशन को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।